Hi guys, I'm back with another lecture of Principles of Management. And in this lecture, I'm going to start with contemporary issues of management. So before we start, just a brief introduction about myself. So I'm Sandhya Rao, working as an assistant professor at St. Andrews Institute of Technology and Management. And these were the topics that we have covered and yet to cover. So I have already talked about the nature, the process, and the basic managerial roles and skills. And in this lecture, we'll start with contemporary issues and challenges. And in the next lecture, I'll start with the different approaches of management, as in the classical, neoclassical, and human relation behavioral systems. So yeah, let's get started. So we have divided it into five parts. So these are the five issues in management, vis-a-vis political, technological, environmental, legal, and social. So starting with political issues. So we all know that, you know, the political parties frame certain laws, they frame certain policies regarding how we are going to operate in a business, what's going to be the working hours. Sometimes is tarah ke laws jo hain, labor laws ho gaye, unpe kuch nayi policies ya kuch naye amendments jo hain wo aate rehte hain. So political environment जो है आपका that is totally external. You don't have a control over that. आपकी company है, आपकी management जो है, आपकी firm जो है, they have no control over the political factors. Okay, it's totally external, and that is why it becomes a challenge for them sometimes to incorporate into their objectives, because it's totally uncertain in nature. कल को क्या policies frame होकर आ जाए, we don't know. So that is why हमारा जो मैनेजमेंट है इसीलिए वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, सो एज टू डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन फ्यूचर वी कैन मेक चेंजेस. ठीक है, सो ये एक बड़ा ही चैलेंज रहा है स्टार्टिंग से ही, कि कई बार कुछ ऐसी पॉलिसीज आ जाती हैं जिनकी वजह से हमारे पास ऑप्शन ज्यादा लिमिटेड रह जाते हैं कि हमें कैसे बिजनेस को कंटिन्यू करना है. देन नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इशू. वी ऑल नो दैट यू नो देर आर सर्टन पार्ट्स ऑफ आर कंट्री या बाहर की भी कुछ ऐसे नेशन हैं जिनके कुछ ऐसे पर्टिकुलर रीजन हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट है, विच मीन्स दे डोंट हैव द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी. सो वेन देयर इज अ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी व्हाट हैपेंस इज दैट द एंटायर सिस्टम, द एंटायर फ्रेमवर्क बिकम्स वेरी रिजिड. आपके पास ज्यादा स्कोप नहीं होता है मॉडर्न बनने का, या आप अपनी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव नहीं कर सकते. यू कैनॉट बिकम मोर एफिशियंट बिकॉज देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल लैकिंग. सो फॉर एग्जाम्पल अगर रिसेंटली अगर हम देखें तो जो आपके एप्पल के मोबाइल फोन्स हैं, सेल फोन्स हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. व्हाई? बिकॉज दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड अब्रॉड. ऑल्दो रिसेंटली अभी जियो का एंड जो फेसबुक का टाइप हुआ है, और अभी और जो थोड़े बहुत हमारे टाइप हो रहे हैं उनसे भी वी कैन एज्यूम दैट यू नो इन फ्यूचर आपके आईफोन्स हैं ये भी इंडिया में प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो काफी कम हो जाएगा. बट अभी अगर मैं पहले की बात करूं तो जब तक ये नहीं हुआ था ऐसा कुछ भी, द प्राइसेस वर वेरी हाई. सो यही एक तरह का इशू रहता है, जब आपके पास टेक्नोलॉजिकल नहीं टेक्नोलॉजी नहीं होती है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं. यू नो द प्राइस बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव, या आपके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाती है. लेट्स से अगर कंप्यूटर्स जब नहीं थे तो सारा काम जो था वो ह्यूमंस को करना पड़ता था, तो जो आपके वर्किंग आवर्स थे वो भी थोड़े लंबे हो जाते थे, बिकॉज यू हैव टू डू द एंटायर मैनुअल वर्क. सब कुछ मैनुअली अपलोड करना है, रिकॉर्ड बनाना है, डेटा प्रिपेयर करना है, मेंटेन करना है. सो दैट वाज अ वेरी टीडियस टास्क. बट विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर्स द कैलकुलेशन बिकम वेरी इजी, एंड इट इज वेरी इजी टू स्टोर डेटा ऑल्सो. तो हमारा जो काम है वो बहुत ईजी हो गया. एंड रिसेंटली अभी धीरे 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 जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता जाएगा, इस इन सब चीजों में और भी ज्यादा अपग्रेडेशन होता जाएगा. देन नेक्स्ट इशू इज एनवायरमेंटल इशू. वी ऑल नो दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट. हम ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत बड़े लेवल पर हो रही है. तो टू कंट्रोल दिस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट आवर सराउंडिंग. एंड एनवायरमेंट के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता कल को अर्थक्वेक आ जाए, यू डोंट नो दैट अ फ्लड माइट कम टुमारो, अ साइक्लोन माइट हिट द टाउन टुमारो, और एनी अदर नेचुरल कैलामिटी कैन ऑल्सो हिट योर रीजन टुमारो, या फिर अभी इसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है. सो इट्स वेरी अनसर्टन. एंड द लॉस
of life and property that is going to be caused cannot be determined in advance. उसको हम पहले से judge नहीं कर सकते कि कितना loss होगा. तो ये काफी बड़ा challenge रहता है हमारे managers के लिए कि इस तरह की चीजों को कैसे incorporate करके रखें business में. Then also legal issue was there in management. How? ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जो कि डिफिकल्ट कर देते हैं आपके लिए ऑपरेट करना. ठीक है, पॉलिटिकल में हम सिर्फ पॉलिसीज की बात कर रहे हैं या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक जो पॉलिटिकल पार्टी है दे माइट फेवर अ कॉज, दे माइट फेवर अ पर्टिकुलर पॉलिसी, बट जैसे ही पार्टी चेंज होगी, पॉलिटिकल पार्टी चेंज होगी, दे माइट कम अप विद अ न्यू पॉलिसी या वो जो एग्जिस्टिंग वंस है उनको वो टोटली अबॉलिश कर दे, उनको नल एंड वॉइड कर दे. It's very much possible. तो इसलिए वो एक काफी बड़ा इशू रहता है, काफी बड़ा रिस्क रहता है. लीगल इश्यूज की बात करें तो वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ लॉज की बात कर रहे हैं जो कोर्ट के थ्रू बनाए जाते हैं. तो जो लॉज होते हैं उनमें भी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि चेंजेस जो है वो आ जाते हैं. सो वी हैव टू इनकॉर्पोरेट दैट एज वेल. सिमिलरली सोशल इशूज आर ऑल्सो देयर समटाइम्स. और आपने सोसाइटी जो है वो अगेंस्ट चली जाती है एक पर्टिकुलर चीज के लिए. अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं एंड द सोसाइटी इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट प्रोडक्ट, मे बी बिकॉज वो थोड़े उनका जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा पुराना है या उनको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, सो दे आर जस्ट प्रोटेस्टिंग इट फॉर नो रीजन, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट फॉर नो रीजन. तो इस तरह की चीजें भी हमने देखी हैं. तो ये एक सोशल चैलेंज बन जाता है इंडस्ट्रीज के लिए. So this is it about the contemporary issues which we have in management. So now I'll start with a brief introduction about the different approaches that we have. So let's have a look at that. So we'll start with the classical management theory. So this is the earliest theory of management that we have. So in this classical management theory, it is based on the belief that, you know, workers have only physical and economic needs. That means ki ya to unki physical needs hoti hai ya fir unko paise wali needs hoti, economic needs hoti. Inke alawa unki koi psychological needs ko hum yahan pe consider nahi kar rahe hain, which is very much important, but earlier we do not consider that. Theek hai, pehle ke time pe hum sirf physical aur economic needs ko hi consider karte the. तो विच मीन्स कि हम सोशल नीड्स को या जॉब सेटिस्फैक्शन को इतना इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं देते थे. तो इस तरह की जो हमारी थ्योरी थी वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड थी. यहाँ पे हमारा फोकस ये था कि हाउ टू गेट द मैक्सिमम प्रोडक्शन आउट ऑफ द पीपल. तो उनसे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कैसे हम कराए जाए, और ये एक साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड था. दिस थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड. सो वॉट हैपेंड हियर वॉज कि हमने एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर रखा कि हर फील्ड में एक हायरार्की मेंटेन होगी. टॉप लेवल मैनेजमेंट होगी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगी एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट होगी. इन तीनों लेवल पे इनके रोल्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे. टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होगी वो जो है थोड़े गोल ओरिएंटेड होंगे एंड वो पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करेंगे. मिडिल लेवल मैनेजमेंट विल जो है वो थोड़े लोअर लेवल के डिसीजन जो है वो फॉर्म करेंगे. एंड जो टोटली बिल्कुल लो लेवल वाली मैनेजमेंट होगी वो जो आपके फोरमैन होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनके साथ वो डील करेंगे, सुपरवाइज करेंगे डे टू डे एक्टिविटीज को. देन इट वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, विच मीन्स कि आप हर चीज में स्पेशलाइजेशन करने की कोशिश करिए कि आप एक जो भी असेंबली लाइन बनाते हैं दैट शुड बी बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन. कि आप अगर किसी पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइज्ड हैं तो आप उसी चीज में जो है वो काम करें. ठीक है, वर्कर्स अंडरस्टैंड देयर रोल्स एंड टिपिकली स्पेशलाइज इन अ सिंगल एरिया. वी वर वेरी मच क्लियर अबाउट इट कि लोगों की एक लिमिटेशन होती है, वो एक सब चीजों में वी कैन नॉट बी गुड इन एवरीथिंग. ठीक है, सो दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. अगर आप एक ही चीज पे फोकस ज्यादा करते हो, अपनी एनर्जी को एक ही चीज में चैनलाइज करते हो, तो आप ज्यादा एफिशिएंट बनते हो, आपकी स्पेशलाइजेशन निकल कर आती है. ऑल्सो यू विल गेट इंसेंटिव्स बाय गेटिंग फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स. तो यहाँ पर हमने कहा कि सिर्फ फिजिकल और इकोनॉमिक नीड्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो हम जो भी रिवॉर्ड देंगे वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड होगा एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए. ठीक है, एंड यहाँ पे वी यूज टू हैव ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, विच मीन्स द लीडर और द मैनेजर यूज टू डिक्टेट द वर्कर्स एंड ही यूज टू गिव instructions and that were to be followed by the workers, which means that the workers don't have much scope to
speak or you know give their viewpoints on any particular thing. They just have to follow the instructions. So autocratic leadership style which was being followed, and then the strength of this theory was कि आप जो है एक जब लोगों के ऊपर control रखते हैं, आप अपना काम कराना जानते हैं, तो आप अपने according अपना काम करा लेंगे, ठीक है? तो clear structure रहता है management का, all the rules and duties are well defined, and the division of labour can make the task easier and if more efficient to accomplish, क्योंकि ये scientific method पे based है. तो स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड है, आप जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशन है आपके, आप वही काम करेंगे एंड उसके लिए आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलेगा. एंड आपको अगर पेमेंट भी होगी तो वो पीस वेज सिस्टम पे होगी, कि आपने जितने प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करें, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें उसके बेसिस पे आपको पेमेंट मिलती थी. तो क्लियर डेफिनेशन होती थी एम्प्लॉय के रोल्स की, उनका ज्यादा गेस्ट वर्क का कोई स्कोप नहीं रहता था. तो देर वॉज नो एम्बिग्युटी, देर वॉज नो स्कोप फॉर एनी एम्बिग्युटी इन दी एम्प्लॉयज. Flaws in the model are that यहाँ पर अगर आप इसको एक्चुअली में प्रैक्टिस में लगाओगे, स्पेशली अगर आज के टाइम पे अगर आप लगाते हो, तो पीपल विल स्टार्ट रेजिस्टिंग, दे विल नॉट एक्सेप्ट योर ऑर्डर्स. प्रेजेंट सिनेरियो में बिल्कुल वर्क नहीं करती, बिकॉज लोगों की कुछ क्रिएटिविटी होती है जो शायद आपकी काम को एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है. बट वहाँ पर इस क्लासिकल थ्योरी में मैनेजमेंट में हम उनको क्रिएटिविटी का स्कोप देते ही नहीं थे. They were only supposed to do the work as it was being instructed by the leader or the manager. जैसे manager ने कहा, leader ने कहा, वैसे भी आपको काम करना है. अपनी creativity नहीं दिखानी है, okay? Also, आप एक पहले से predict कर लेते हो कि लोगों को सिर्फ financial और physical rewards चाहिए, उनकी needs वही type की है. तो ये भी एक गलत concept है. लोगों की social needs भी होती हैं, psychological needs भी होती हैं. भी किसी के पास, किसी को पैसे की ज्यादा नीड नहीं है, बट उनको साइकोलॉजिकल नीड्स हैं कि लोग उनको अच्छे से जाने, उनकी रिकॉग्निशन हो, पीयर रिकॉग्निशन हो, उनको अच्छा लोग उनके काम के लिए जाने, इस तरह की भी नीड्स रहती हैं लोगों की, साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं. तो दे वर नॉट बीइंग वैल्यूड ओवर हियर, ओके. एंड वर्कर्स वर बीइंग कंसीडर्ड एज मशीन्स, कि बस वो मशीन्स हैं, उनसे काम कराया जाए, जितना वो काम करेंगे उसके हिसाब से हम उनको पेमेंट देंगे. So this was based on all scientific method, कि हर चीज का एक rule of thumb है, हर चीज का करने का एक best of best या best possible method है. तो लेकिन ये गलत है, हर चीज को करने का best possible method होता भी है अगर, तो आप उसको सब लोगों के ऊपर apply नहीं कर सकते. You should allow the people to come up with their own creativity when they are doing their work. Okay? So these were the flaws that we have in this model. And the reliance on prior experience and the ability to apply it almost solely to manufacturing settings is another drawback of this society. दूसरा, हमने इस concept को सिर्फ और सिर्फ manufacturing setup में लगाया. Although और भी बहुत सारे fields होती हैं, financial management, finance के department में भी management की जरूरत होती है, marketing में भी management की जरूरत होती है, but we were not considering them. We were only concerned with the manufacturing department. So, हम सिर्फ उन्हीं की management की यहाँ पे बात कर रहे हैं, which is again another flaw. And yeah, so this is it. So, we have covered the classical theory also. And the questions for this lecture are that you have to tell me the challenges that we have, and also you have to explain the classical theory. So, this is it for today's lecture. Thank you.